खनियादाना में पूर्व के दिनों कई स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करने के कई मामले सामने आए थे। इसी मामले को लेकर आज रात्रि में खनियादाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को लाकर भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शिशुपाल पुत्र रघुवीर लोधी उम्र 19 साल निवासी ग्राम चमरोहा मजरा ढोडरिया का अपने खेत पर बने टपरा में चोरी की मोटरसाइकिल अवैध रूप से बेचने के उद्देश्य से रखे हुए हैं। खनियादाना थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते मुखबिर के पता स्थान पर दबिश दी तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया, जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शिशुपाल पुत्र रघुवीर लोधी उम्र 19 साल निवासी ग्राम चमरोहा मजरा ढोडरिया जिसके स्वामित्व के खेत पर बने टपरा चेक किया गया तो उसमें पांचों मोटरसाइकिलें जिनकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए की अवैध रूप से रखी मिली। आरोपी शिशुपाल पुत्र रघुवीर लोधी उम्र 19 साल निवासी ग्राम चमरोहा मजरा ढोडरिया थाना खनियादाना से पांचों मोटरसाइकिलों के कागजात चाहे गए तो ना होना पाया गया। वहीं मोटरसाइकिलों के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि उक्त मोटरसाइकिलें दिनारा भद्रवास व उत्तर प्रदेश की चोरी कर लाई गई हैं। शिशुपाल व उत्तर प्रदेश की चोरी कर लाई गई हैं। शिशुपाल लोधी द्वारा उक्त पांचों मोटरसाइकिलों के कागजात पेश न करने पाने पर चोरी का संदेह होने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से अन्य आरोपियों के संबंध में खनियादाना पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। खनियादाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चमरौआ का शिशुपाल लोधी अपने हार में टपरिया पर चोरी की मोटरसाइकिल रखे हुए हैं। उक्त सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी शिशुपाल लोधी के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं जिनकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। उक्त मोटरसाइकिलों के संबंध में पूछताछ की तो दिनारा और भद्रवास तथा उत्तर प्रदेश से चोरी करना बताया है। इसके अन्य साथियों के संबंध में स्थित पूछताछ की जा रही है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।